ની ખાડીમાં બનેલો લો પ્રેશર એરિયા મંગળવારે ડીપ પ્રેશર એરિયામાં ફેરવાઈ ગયો હતો। ખાસ વાત કરી હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જશે। હવામાન વિભાગના તાજેતરના અપડેટ મુજબની ખાસ વાત કરાય તો દબાણ ક્ષેત્ર 23 ઓક્ટોબર સુધીમાં ચક્રવાતી તોફાનમાં અને 25 ઓક્ટોબર સુધીમાં તો તીવ્ર ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જશે અને તેની સૌથી વધુ અસર પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં થશે। વાવાઝોડાને કારણે બંને રાજ્યોમાં આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદની સંભાવના છે તે વ્યક્ત કરાઈ છે। હવામાન શાસ્ત્રીએ પણ ખાસ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। તેમજ વાત કરીએ માછીમારોની તો માછીમારોને 23 ઓક્ટોબરથી 25 ઓક્ટોબર સુધી દરિયામાં ન જવા સૂચના આપવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં ડીપ ડિપ્રેશનના વિસ્તારમાં લગભગ 23 ઓક્ટોબર સુધીમાં ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ જશે અને ઉપરાંત 25 ઓક્ટોબર સવારે એક ગંભીર ચક્રવાતની તોફાની તરીકે ખાસ કહી શકાય ઉત્તરી ઓડિશા અને દક્ષિણ પશ્ચિમ બંગાળની પુરી અને સાગર દ્વીપ વચ્ચેના દરિયાકાંઠેને પાર પણ કરી શકશે। આ સમયગાળા દરમિયાન 100-110 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ભારે પવન ફૂંકાશે અને જે 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે। વધારાના વિશેષ રાહત કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે ઓડિશા ડિઝાસ્ટર ક્વિક રિસ્પોન્સના ફોર્સની 17 ટીમો પર ચક્રવાતની સંભાવના ધરાવતા 10 જિલ્લાઓમાં તૈનાત કરવામાં આવશે। તેમણે વધુમાં તે પણ કહ્યું કે વધુ 3 જે કહી શકાય ઓડીઆરએફના ટીમો છે તેને તૈયાર કરવામાં આવશે અને ડાના કહી શકાય વાવાઝોડા છે તેને જોતા સાવચેતીના પગલે ખાસ શાળા કોલેજો 2 દિવસ બંધ કરવામાં આવશે। ઓડિશાના 14 જિલ્લામાં 23-25 ઓક્ટોબર સુધી શાળાઓ કોલેજો અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ બંધ રાખવામાં આવે છે। पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि कगदीप सब डिवीजन एक कोस्टल सब डिवीजन है, तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जनरल पब्लिक, एवरीबॉडी, सभी लोग इस स्थिति से पहले भी परिचित है। तो पहले भी कुछ दिन पहले ही रेमाल हुआ था, अब दाना आ रहा है, तो हम लोगों का प्रिपरेशन ऑलरेडी कुछ परमानेंट नेचर का प्रिपरेशन रहता ही है। जैसे कि हम लोगों का एमपीसीएस होता है, फ्लड सेंटर होता है, हम लोगों का 64 एमपीसीएस है, फ्लड सेंटर 12 है, हम लोग स्कूल सिलेक्ट करके रखते हैं, हम लोग अगर जरूरत पड़े तो यूज करेंगे। 158 ऐसा एयर ड्रॉपिंग प्लेसेस हम लोग आइडेंटिफाई करके रखते हैं, जरूरत पड़ती यूज होंगे। ऐसे 41 है, रिलीफ गोडाउन है, वीडियो हर वीडियो ऑफिस में रिलीफ गोडाउन है जहां पे पहले से ही रिलीफ का मटेरियल मौजूद किया जाता है। वल्नरेबल पॉइंट ऐसे हमारा मेन वल्नरेबल पॉइंट 65 है, उसके अंदर 17 पॉइंट और भी ज्यादा वल्नरेबल है, आइडेंटिफाई करके रखते हैं। अगर जरूरी जरूरत है तो वेदर के कंडीशन समझ के हम लोग तब पब्लिक को शिफ्टिंग करते हैं, आप सिर्फ आइडेंटिफाई करके रखते हैं। इसके बावजूद तो जो पॉलीथीन सीट, मतलब जो ट्रिपल, वो भी सफिशियंट वीडियो का गोडाउन में दिया हुआ है। जो जैसे कि ट्रांसशिपमेंट का बात आता है सागर आइलैंड के लिए, इसलिए सागर आइलैंड के ट्रांसशिपमेंट 22 या 22 या 23 के अंदर ही सागर आइलैंड के जो मटेरियल, जैसे कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, WBACDCL का कुछ मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, आज ही हो रहा है। कुछ PHE का, पानी और जल का, जो पाउच वगैरह, वो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा तो उसका प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है बाद में। और ट्रांसशिपमेंट हम लोग अगर वेदर खराब हो जाए तो तब ट्रांसशिपमेंट भी नहीं कर सकते, पहले ही करना पड़ता है। ये सब कुछ है। इरीगेशन को अलर्ट किया गया है, सिविल डिफेंस को प्रॉपरली डिप्लॉयड किया गया है, NRDM का तीनों ब्लॉक के लिए 3 टीम आ रहा है, एक सगर के लिए, एक कगदीप के लिए और एक पाथर प्रतिमा के लिए। बाकी तो हमारा कंट्रोल रूम पहले से ही खुला हुआ है, हम कंटिन्यू करते हैं कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम का 2 लैंडफोन नंबर है, कंट्रोल रूम वो नंबर आप संप्रचार भी कर सकते हैं, लोग जानता भी है, हम लोग भी करते हैं। इसके बाद जो ICOC लोग हैं वो लोग तो माइकिंग कर दे रहा है थ्रू ADM मेरीन। हम लोग कुछ जो फिशरमैन है उसको भी अलर्ट कर दिया गया। आज जो थोड़ी देर पहले एक तो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग में कितने लोग को एवोकेट करेंगे ना? अभी 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 तो वेदर आज ही तो नॉर्मल है, हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करके रखते हैं कितना वेदर के मुताबिक, वाटर लेवल के मुताबिक हम लोग ये डिसीजन 24th में या 23rd में या 24th में सिचुएशन के मुताबिक लेंगे। हम आइडेंटिफाई करके रखा है, टोटल हमारा वल्नरेबल पॉइंट 65 है, उनमें से ज्यादा वल्नरेबल 17 है,
उनमें से कुछ जगह ऐसे ही आप भी जानते हैं और जो आइडेंटिफाइड है कुछ जगह ऐसे ही सेंसिटिव है, जैसे कि सागर का घोड़ामारा आइलैंड, जैसे कि नामखाना का मौसुनी आइलैंड, जैसे कि ये के हम लोग का पाथर प्रतिमा का गोबर्धनपुर एरिया, ये सब जगह तो मैंने समय आने पर हम लोग आइडेंटिफाई करके रखा है, वीडियो उसका टीम को मैंने ये करके रखा है, सेंसिटाइज करके रखा है, समय आने पे उन लोगों को हम लोग नियरेस्ट कोई स्कूल यानी एमपीसीएस पे ले आएंगे और वहाँ पे तब तो ग्राउलिंग किचन भी चलेगा, तब वो बात स्थिति के अनुसार होगा। अभी तो इवैक्यूएशन अभी तो नहीं हुआ, आज तो 22, अभी तो वेदर अभी तक नॉर्मल है।